Hey guys, welcome back to another video. तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार आ चुके एक और नई वीडियो में. एंड फिलहाल पूरे 10 दिन तक मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई. एंड तुम लोग का जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर ही दिया था बीच में कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था. एंड लिटरली अभी भी मेरा आवाज़ रिकवर नहीं हुआ. एंड भाई वॉइस ओवर करने का आदत भी छूट गया. मैं क्या करूँ, क्या क्या बके जा रहा. एंड एक सेकंड, क्या हो रहा भाई? ओ भाई रैप्टर कहाँ से आया? ये टेम्ड है कि क्या है? अच्छा ट्रूडॉन रैप्टर मार रहा. हाँ आके भाई कहाँ से आया ये रैप्टर? मेरा ट्रूडॉन को मत मारना भाई, बहुत महंगा है था ट्रूडॉन. डंजन से लेके आया इसको यार. मरने, रुक जाओ, हील कर देता हूँ मैं इसको भाई. मरने नहीं देना है मेरे को. ओके चलो हील तो हो गया वह. सो एनीवे अब मैं तुम लोग को सोच रहा था कि थोड़ा दिन और थोड़ा सा एबसेंट ले लूँ ताकि मैं मेरा आवाज़ वगैरह सारा चीज़ रिकवर हो जाए एंड मैं पूरा अच्छे से वीडियो बनाऊँ. बट बहुत ज़्यादा एबसेंट हो जाता तो मैं सोचा चलो यार टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना देता हूँ. एंड तुम लोग आज बताता हूँ मैं कि तुम लोग एंगलर जेल कैसे फार्म कर सकते हो, क्योंकि एंगलर जेल का बहुत सारा काम आता है एंड तुम लोग बहुत चीज़ बना भी सकते हो. फिलहाल मैं तुम लोग को लिस्ट बाद में दिखा दूंगा. एंड सबसे पहला काम मैं तुम लोग का एंगलर जेल दिखा देता हूँ कि एंगलर जेल कैसा दिखता है. लगता नहीं. सो ये देख लो, एंगलर जेल ऐसा है. मेरे पास 5 ही है. एंड तुम लोग इससे एक चीज़ कर सकते हो. यहाँ पर मैंने टॉर्च लगा के रखा था ना. वेट अ सेकेंड, यहाँ यहीं कहीं मैंने टॉर्च लगाया था भाई. कहाँ चल गया? ओके यहाँ पे मैंने टॉर्च तो बना लिया है. फिलहाल अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे को एंगलर जेल क्यों इतना पसंद है. क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने जैसे टॉर्च लगा दिया, स्टैंडिंग टॉर्च, ठीक है. एंड जब तुम लोग इसको लाइट फायर करते हो वुड नॉर्मली डाल के, तो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है. सो जब तुम लोग इसको जलाते हो वुड डाल के, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली तुम लोग को जैसे जलता है येलो कलर का लाइट, वैसे ही कुछ देखने को मिलता है. बट अगर तुम लोग वुड निकाल के तुम लोग यहाँ पे एंगलर जेल भर दोगे एंड फिर तुम लोग एंगलर जेल को जलाओगे, तो भाई यहाँ पे तुम लोग को ब्लू रंग की लाइट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी लगता है रात में. एंड ये कुछ अलग टाइप का रोशनी लगता है. येलो तो नॉर्मली सब जगह मिल जाता है, बट ब्लू रंग का भाई लाइट कुछ अजीब ही लगता है एंड भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सो तुम लोग ये काम कर सकते हो. एंड एंगलर जेल का और भी बहुत सारा काम है जो कि तुम लोग बनाने के, कोई भी लाइट वाला चीज़ या फिर बहुत सारा चीज़ है. अगर मेरे को याद रहा तो मैं साइड में लिस्ट तुम लोग को दे दूंगा एंगलर जेल से क्या क्या कर सकते हो. फिलहाल अभी मैं बताता हूँ तुम लोग को, तुम लोग एंगलर जेल को फार्म कैसे कर सकते हो. सो दो तरीके एंगलर जेल फार्म करने के. पहले मैं ईजी वे बताता हूँ तुम लोग को कि अगर थोड़ा बहुत चाहिए तुम लोग को एंगलर जेल, तो तुम लोग आराम से इसे निकाल सकते हो. सो चलो हम लोग रेड रूम में चलते हैं एंड उसके बाद तुम लोग को मैं बताता हूँ. ओके सो यहाँ पे यार हम लोग रेडवुड में आ चुके हैं. एंड भाई रेडवुड में आते आते मेरा इतना गेम क्रैश हुआ है ना भाई, सब दिमाग ख़राब करके रखा है यार कैसे. एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी भाई लैग हो रहा है, यहाँ पे रेंडर ही नहीं लिया है. एंड एक सेकंड, गेम क्रैश हो गया क्या मेरा फिर? ओके नहीं, वॉइस बार भाई सही है. सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेडवुड में तुम लोग आके एक्टिनस क्रू ढूंढना है, जो कि तुम लोग को ईजिली यहाँ कहीं मिल जाएंगे. तो देख सकते हो आगे मैं क्या. एंड यहाँ पे कितना भसड़ मचा के रखे यार, इन लोग के कारण ज़्यादा लैग होता है पता है रेडवुड में. रेडवुड ऐसा कुछ लैग होता नहीं है, बट इतने डायमंड्स होते हैं ना यहाँ पे भाई, लैग का भरमार रहता है यहाँ पे. वो देखो आगे में भी है एकेटिनस है, बस उसको मत मारो, रुक जाओ. इन लोग को ख़त्म कर देता हूँ भाई, उसको मारना मत कोई भाई, मैं ही नहीं मार दूँ कहीं, डर लग रहा है. एक सेकंड, मैंने मार दिया क्या उसको? वेट ले मी चेक भाई, मेरे को लग रहा मैं उसको मार दिया. वैसे मारना ही था, वैसे कुछ बात नहीं है, मर गया तो कुछ खराब हो गया. तो ये देखो नहीं मरा नहीं, इसका हेल्थ लो गया इसलिए भाई अपना सेल के अंदर चल गया. कोई नहीं, इसको मार देते हैं हम लोग. एंड एक सेकेंड, इसको डैमेज नहीं पड़ रहा, रुक जाओ. इसको शॉर्ट गन से मारना पड़ेगा. जब सेल के अंदर चल जाता है तो भाई इसको कुछ असर ही नहीं होता है. एक सेकेंड भाई, क्या हुआ ये? ओ भाई साहब, भाई दो झेल लिया यार मेरा, इतना पावरफुल शॉर्ट गन है असेंडेंट का भाई, दो बार झेल लिया, 300 कुछ डैमेज है भाई, इतना पावरफुल है यार सच में. एकेटिनस भी सही है. सो यहाँ पे तुम लोग का हार्वेस्ट करने के बाद 7 से 8 एंगलर जेल ईजी मिल जाएगा. अगर छोटा मोटा चीज़ करना है तो तुम लोग यहाँ से एंगलर जेल ला सकते हो. एंड तुम लोग ऐसे ही जस्ट एकेटिनस को ढूंढना है एंड मारना है, ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं. तो कुछ दिक्कत की बात नहीं कि रेयरली तुम लोग को मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे. अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत कुछ जलाना वलाना है तो तुम लोग यहाँ से फार्म कर सकते हो. एंड इस बार 3 मिला मेरे को भाई हैचेट से. हैचेट से मत फार्म करना ठीक है, स्वॉर्ड से फार्म करना, वरना बहुत कम ही मिलेंगे ठीक है तुम लोगों को. एक सेकंड, ये क्या है भाई ये? अच्छा हाँ, सीमेंटिंग पेस्ट तुम लोग को एकेटिनस से मिलता है. अगर वो पूप करते हैं तो भाई वो उसके पूप की जगह सीमेंटिंग पेस्ट निकलता है. तो तुम लोग चाहो तो तुम लोग बेस में एकेटिनस को रख भी सकते हो, जब भी वो पूप करेंगे सीमेंटिंग पेस्ट मिलेगा. वैसे ज़्यादा नहीं मिलेगा बट ठीक है ठीक है. सो तुम लोग ऐसा करके एंगलर जेल छोटा अमाउंट में फार्म कर सकते हो. अगर तुम लोग को कुछ बनाना है एंड तुम लोग को लार्ज अमाउंट में चाहिए एंगलर जेल, सो तुम लोग को फार्म करना पड़ेगा जाके पानी के अंदर. एंड फिलहाल यहाँ से हम लोग चलते हैं पहले, एंड उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ कि तुम लोग लार्ज अमाउंट में फार्म कैसे कर सकते हो ठीक है.
चलो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पे, एंड यहाँ पे हम लोग को अभी 200 लेके पानी के अंदर जाना पड़ेगा। बाय द वे, ये इसका स्टाइल देख रहे हो भाई, कहाँ कहाँ अपना ये टेंटिकल्स रखा है, कहाँ अपना पानी के अंदर, भाई कौन सा स्टाइल है ये यार, पानी के अंदर चल ले। चलो इसको लेके पानी, एक सेकेंड ये अटक गया कहीं, क्या भाई निकल क्यों नहीं रहा, पता नहीं यार ये कैसे अटक गया था, इसको मेरे को टेलीपोर्ट मारना पड़ा, बट एनीवे अभी चलो निकल चुका है। एंड मैंने अपने साथ स्कूबा सेट भी ले लिया है तो ताकि ऑक्सीजन का कमी नहीं हो, क्योंकि हम लोग अभी डीप वाटर के अंदर जाना है, ठीक है। सो अगर तुम लोग फार्म करने जा रहे हो तो तुम लोग को कोई डायनो चाहिए रहेगा, एंड तुम लोग को स्कूबा सेट जरूरी है, वरना ऑक्सीजन के कारण मर जाओगे, ठीक है। सो अभी तुम लोग को पानी के अंदर जाना है एंड वहाँ पर ढूंढना है तुम लोग को एंगलर फिश, ठीक है। तो उससे तुम लोग को ईजिली यार एंगलर जेल मिल जाएगा, बट खतरा यही कि अंदर में भाई बहुत डीप में तुम लोग को मोसासॉर या फिर बहुत सारे डेंजरस डायनो भी मिलेंगे जो कि तुम लोग को मार सकते हैं, तो ध्यान से जाना, ठीक है। यहाँ पे अपने को एंगलर फिश ओके मिल गया भाई, पहली बार ऐसा है जिसको ढूंढने आया भाई मिल गया, वरना ऐसे मिलते तो है नहीं। मुझे मेरे को पहले इसको पैसिव पे करने दो, वरना ये भाई उसको मार देगा, मेरे को दिखाने ही नहीं देगा। ओके चलो पैसिव तो हो चुका है, एंड अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एंगलर फिश जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं। ए ओए भाई ये रुक भाई, ये मार क्यों रहा है, इसको मैंने पैसिव किया है तो यार, अरे यार इसने पकड़ लिया अपने टेंटिकल से भाई, पैसिव हो जाए यार, क्यों भाई मार भी दिया साले भाई, क्या दिक्कत था इसका यार। ओके लकीली हम लोग को एक यहाँ पे बॉडी मिल गया, यहाँ पे देख सकते हो एंगलर फिश का। सो अभी जब इसको तुम लोग मार देते हो एंड उसके बाद हार्वेस्ट करते हो, एक सेकंड हार्वेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, इन्वेंटरी क्यों खोल रहा बार बार भाई, रुक जा मर जा। सो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को 22 एंगलर जेल इजीली मिल गया, तो हमने ज़्यादा नहीं मारा, हम लोग 5 से 6 एंगलर फिश मार दिया यहाँ पे, एंड उससे हम लोग के पास अच्छा खासा आ गया होगा। पता है मेरे को यहाँ पे डर लग रहा, पता है मेरा 200 इतना कमज़ोर है ना, अगर मोसासॉर आ गया तो भाई मर जाएगा तुरंत। वैसे ही मेरे को पता नहीं किसका आवाज़ आया जा रहा है यहाँ पे अजीब सा, एक सेकंड ये है क्या बैसिलोस, मेरे को लगा था बैसिलोसॉरस का ही आवाज़ है, बट मेरे को दिख नहीं रहा था तो मेरे को लगा भाई मोसासॉर वगैरह कुछ है। एनीवे अभी यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग टोटली 5 एंगलर फिश को मारे हैं, एंड हम लोग के पास टोटली यहाँ पे देख सकते हो, रुक जाओ कहाँ गया अपना एंगलर जेल, ओके यहाँ पे 68 है एंड टोटली हमारे पास 85 एंगलर जेल इजीली आ चुका है सिर्फ 5 एंगलर फिश को मारने से। तो सोच सकते हो कितना इजीली तुम लोग फार्म कर सकते हो अगर तुम लोग को किसी भी चीज़ में चाहिए होगा तो एंगलर जेल। सो आई होप तुम लोग को ये ट्रिक पसंद आया होगा, एंड तुम लोग कहाँ से खोज सकते हो ये भाई थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मेरे को पहले स्टार्टिंग में मेरे को भी पता नहीं था। सो आई होप सो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, एंड नए चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आई एम रियली सॉरी अगेन मेरा वॉइस के लिए अगर तुम लोग को कुछ ख़राब लग रहा हो या फिर डिफरेंट लग रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा अभी भी बहुत तबीयत ख़राब है, एंड देखते हैं अभी थोड़ा दिन रुक जाओ कम वीडियो आएगा, एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कंटिन्यू हो जाऊँगा, बट होता कभी नहीं हूँ। एनीवे तो चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय। They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad.